हमारे जिले में अगर एम्स जैसा अस्पताल होता तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट कटा करके दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। बेगूसराय में अगर विश्वविद्यालय होता तो हम बेगूसराय में नहीं पढ़ते। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, क्या बोल लोग के लोन हाथ बोलता एक को कहना है कि हेल कहे। आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। ये सवाल हमारे सामने है। चिप्स का पैकेट देखे हैं, ऊपर से फुला रहता है, अंदर में 4 गो चिप्स रहता है, वही ये सरकार है। बिहार में चुनाव है और कई बड़े बड़े नेता चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, और अब एक और नाम बिहार चुनावों में दिखने लगा है, वो है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार की रैलियों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आज हम कन्हैया के भाषण की बात करेंगे, जिसमें पहले तो उन्होंने कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरा कि जब पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसको कोरोना कहा गया, उस कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार ने जो जो कहा, देश की जनता ने सब कुछ किया। थरिया बजे लोर न, बॉल बजे लोर न, भागले कोरोना। और देखिए कि इस लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, हमारे आपके परिवार के सदस्य, उनको वापस आने के लिए बस ट्रेन नहीं था। आप नेशनल हाईवे पे जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार हजारों किलोमीटर चल करके बिहार वापस आया। हमारी हालत क्या है कि हमको अपनी हर चीज के लिए, हम भी बाहर में जाकर के पढ़ाई किए थे, क्यों बेगूसराय में अगर विश्वविद्यालय होता तो हम बेगूसराय में नहीं पढ़ते। इसीलिए लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमने क्या मांग उठाई थी, याद कीजिए। आप तमाम लोगों के बीच हम चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और हमने आपको क्या कहा था कि हमारा सवाल जात और धर्म का सवाल नहीं है, हमारा सवाल इंसान और इंसानियत का सवाल है। हमारा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए अपनी घोषणा पत्र में हमने दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनाने की मांग की थी। याद कीजिए कि हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्यों हमारे जिले में अगर एम्स जैसा अस्पताल होता तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट कटा करके दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। याद कीजिए कि आपको पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी तो लॉकडाउन था, हजारों लोग, लाखों लोग वापिस बिहार लौट करके आए और उनके दिल में क्या दर्द था कि अगर काम मिल जाता, अगर व्यवस्था हो जाती, की हेड़े लहन नौमी का दिल्ली बम्बई कलकत्ता रह कर, दसवीं का दिल्ली बम्बई कलकत्ता रह कर, ईद बकरीद दिल्ली कलकत्ता बम्बई रह कर, माए बाप जोर लोग नहीं दुर्गा मनाते हैं, माए बाप जोर लोग नहीं ईद सेवैयाँ खेते हैं, क्यों हमको घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है। इस भाषण में आगे कन्हैया ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर उनकी आलोचना शुरू कर दी। इसमें कन्हैया ने काफी अहम मुद्दे पर चर्चा भी की। हमारे किसान भाई जो खेतों में जाकर के खून पसीना बहाते हैं और उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, एक उदाहरण सोच करके देखिए। आपका मकई का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मकई से जो मकई का उजड़का लावा होता है ना, अंग्रेजी में उसको पॉपकॉर्न कहते हैं, वही सिनेमा हॉल में जब आप पॉपकॉर्न खाइएगा तो 250 रुपया का पैकेट मिलता है, 5 ग्राम। लेज का चिप्स का पैकेट देखे हैं, ऊपर से फुला रहता है, अंदर में 4 गो चिप्स रहता है, वही ये सरकार है। वही ये सरकार है कि आपसे आपके चीजों को सस्ता लेती है और आपको आपके जीवन की जरूरत की चीजें महंगा देती है। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से हिंदू मुसलमान करें। हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे,
आप इधर उधर की बात कीजिए, आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे ये सवाल हमारे सामने है। हमने कहा कि मौका दीजिए, अवसर दीजिए, गाड़ी चलवा दे तब न पता चलता ड्राइवर बढ़िया अच्छी है कि नहीं। गाड़ी चलवाइए नहीं दे तब कहे छो के ना चलते हैं। अरे हर काम को तो कोई ना कोई जीवन में पहली बार करता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माइक पेटे से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। कोई काम करने से ही तो होता है। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपर पड़त निशान। जब कोमल घरे के रखने से कठोर पत्थर पर निशान हो सकता है, तो हम लोग कोई हवा हवाई आदमी थोड़ी है, जीवन के अनुभव से ये सीखे हैं। इसके बाद कन्हैया ने बीजेपी द्वारा फ्री वैक्सीन पर सरकार को घेरा और सरकार की आलोचना करते दिखाई दिए। जब हमारी ही यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई माननीय मंत्री साहिबा कह रही थी कि पूरे बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे, तो हमको अपना दिन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 50 रुपया दिहाड़ी पे घर घर घूम करके पोलियो का ड्रॉप पिलाते थे। बताइए उस वक्त का सरकार भी अगर कहता कि नहीं हम बिहार को फ्री देंगे और बंगाल से पैसा लेंगे, तो आपको अच्छा लगता सुनने में? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, ये धोखा क्यों दिया जा रहा है? एक तो वैक्सीन अभी आया नहीं है, दूसरा वैक्सीन आने से पहले ही चुनाव आ गया है, तो कुछ तो ऐसी बात हो ना कि फिर से लोगों को ठगा जा सके। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, क्या को लोग के लोन हाथ धोता एको को नहीं कहे छो। भाजपो वाला से दुकान पर लड़ाई की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है खाली तोरे ठग लेल को है, बेचारा ओकरो ठग लेल के है। ओकरा कही हो यारवा रहबे ज्वारेन, साथ चाय पी रहलिए हैं, साथे जेबे एजा बेगूसराय वह टाटा में लटक के, तो आपस में लड़ा कौन जरूरी। और ये बात मैं जोर दे करके आपको कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे साथी बदलाव की उम्मीद में जोश से लबरेज हैं, मैं आपके जोश को सलाम करता हूँ। और सरकार के प्रति गुस्सा भी स्वाभाविक है, अगर हम ही आज जो है लंबा लंबा भाषण दे दें और कल को सरकार बने तो अपना ही संकल्प पत्र अगर हम भूल जाए तो हमको भी गाली पड़ेगी, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, और जनता के सवालों को जो सरकार पूरा नहीं करेगी, चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो, तो उसके प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने जोश का इस्तेमाल कहीं और कर दें, जोश में होश खो दें। जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। मैंने कई जगह ये घटनाएं देखी कि सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ धक्का मुक्की हो रहा है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उनके साथ क्या धक्का मुक्की करेंगे, उनका बेचारा का क्या वैल्यू है? विधायक सबके ना एगो चौकीदारो इतना वैल्यू नहीं बचले हैं, हम सच बात बता रहे हैं आपको। विधायक अगर फोन करे थाना प्रभारी को, कहेगा रखिए बाद में बात करेंगे, ये हम थाना प्रभारी का बात बोल रहे हैं। डीएम को तो छोड़ दीजिए, एसपी को तो छोड़ दीजिए, डीजीपी को तो छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब विधायक जनता से वोट लेकर के अपना ईमान बेच देते हैं तो उनका रुतबा चला जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता की ताकत जनता होती है, और जिस दिन नेता जनता से कट जाए उस दिन ब्यूरोक्रेसी उसका सुनना बंद कर देती है। बिहार में हर नेता और पार्टी अपना जोर लगा रही है, देखना ये होगा कि कौन इस बार जनता का दिल जीतने में सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.